मांगा, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से माफ़ी भी मांगा, और जो पॉलिटिक्स है उससे संन्यास लेने का बोला है। और आपने एक चीज़ कही थी कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, बल्कि उनकी गलती कुछ नहीं है उनके हिसाब से, बट आपने ये बोला था कि मैं माफ़ करने वाला हूँ। और हम लोगों को ऐसा लगता है, जितने भी चीता कैम के न्यूज़ जो चलाते हैं हम लोग, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप सब लोग एक साथ हो जाए तो चीता कैम का भला बहुत ज़्यादा होने वाला है। भाई माफ़ कर लो या माफ़ नहीं, मैं कब मना किया? अल्लाह माफ़ करने वाले के साथ है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं आने के बाद में मैं खुद से जाके बात किया, ये पहले भी मेरा अपोजिट था। इसको खाली इलेक्शन में जो खड़ेगा उसके अपोजिट हो जाता है। इसको 10 टाइम बताया, उसको जो बोल रहा ना तुम चौथी टाइम लड़े चार चौथे में आते, तो मैं ही बोला हूँ ना घर पे बैठ के, मुंह पे बोला कि तू भाई चौथे पांचवे में आता है तू कैसे जीतेगा, वो तो पता। मैं उसको लगता मैं नहीं लड़ूंगा तो जीतेगा, ऐसा होता है क्या? मैं तो किसको भी बोलता हूँ लड़ो, किस्मत अल्लाह किसको जीता है क्या पता। वो इलेक्शन का साइड में रखो। अभी ये मुद्दा कहाँ पे, कल ये स्टेटमेंट दिया, मैं था बेंगलोर में, उधर से मैं आया खाली इसके वजह से। ये जो भय बोल के घिगा के आदमी ये कर रहा ना, सब झूठ बोल रहा है। मेरे पास पूरा, मैं सबूत बिना बात नहीं करता भाई, मेरे पास पूरा विटनेस सबूत सब है। या तो बैग क्यों मारे के? केस बनेगा, 100% बनेगा, ये बात ध्यान रखो। मैं विटनेस के साथ दे रहा हूँ, केस बनेगा। बैग मारो तो माफ़ी मांगो जनता से, क्या मैंने किया नहीं, तो ये लोग जितने लोगों से पैसा लिया वापस करें, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे स्टेटमेंट में जिस जिससे पैसा लिया है सब आके मेरे ऑफिस से पैसा, जितना पैसा लिया मैं दूंगा, सब FIR कराओ। क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सुन लो, क्योंकि किसी के अंदर ताकत नहीं रहेगी बोलने की, हाँ फिर कि से एक बार जिससे क्लियर। जितना पैसा लिया है मेरे ऑफिस पे मेरे से लेके जाओ, बदले में FIR कराओ। समझ में आ रहा? मैं दूंगा पैसा, किससे 20 लाख लिया 10 लाख लिया मैं देता हूँ ना पैसा, FIR तो मेरे से लेके जाओ। बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, ध्यान रख लो, राजू ऐसे ही नहीं बोलता हवा में। मेरे गांव का पैसा खा के माफी मांग के बैग हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे भाई। राजू भाई आपने 2 दिन का टाइम लिया था कि 2 दिन हाँ में जो है इस मामले को क्लियर करेंगे और वो जो हाँ बंदे लोग हैं वो सामने आएंगे। अब तक हाँ के सामने नहीं आए राजू भाई वे लोग। भाई अभी कल तो बोला, मैं तो खुद बाहर था, मैं 4 तारीख से पहले नहीं आने वाला था, इसके वजह से मैं आया। मैं ये पूरा चीज़ अभी क्लियर करता हूँ ना, झूठ बोले वो कौन सा हो गया गाना है ना, झूठ बोले कौवा काटे वैसा हिसाब है। कपिल भाई का कहना है कि राजू भाई आपने इंटरव्यू देखा होगा उसमें कि पर्सनल उनका कोई ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं थी आपसे, उनके घर पे भी जो है कंप्लेंट मारा गया तो उन्होंने जो है इस वजह से जो है एक जर्नल कंप्लेंट किए, हाँ ऐसा ये कुछ। बात बोले ना भाई, तो ये मैं सब इसके लिए मैं भी लिख के ला लो कि आज मैं भूलू नहीं। वो बोल रहे ना कि मेरे घर पे कंप्लेंट मारे, उससे पहला मैंने कंप्लेंट नहीं मारा, पक्की बात है। अब ये तुम लोग की जिम्मेदारी है उनसे एक लेटर लेने का कि भाई मैंने जो आटे मेरे खिलाफ जो आटे मार रहे हैं उनको दे दो। ये मतलब देखो कैसा है, गुप्त थर्ड पार्टी को नहीं देते आटे मारेंगे, तो इनके एक लेटर दे देंगे, उनको दे दो एक लेटर, तुम लोग लेके BMC में दे दो या मेरे पास दे दो, या आज तक जितने जितने लोग के खिलाफ कंप्लेंट मारा ना पूरा लाके रख दूंगा। ये अभी की बात कर रहा है भाई, ये खाली घर के पहले मेरा बना था ना, वो मैं जगह लेके कितना हो गया 2016-15 में, जब इसने पैसा मंगेला वो भी आदमी बोलने राजी है। समझ में आ रहा? अनिल राठौर के पास जाना, पूछना कि भाई बोलने का है क्या, नहीं बोलने का, नहीं बोलने का तो मैं सबूत दूंगा, ठीक है, नाम बोल रहा हूँ। अनिल राठौर के पास जाना, पूछना, ये बंगाली है ना, फिरोज बंगाली जाके पूछना कि राजू भाई को बोला तो बोलता है क्या इस पर, पब्लिक डर के नहीं बोल रही, बोलो, नहीं तो मैं देता हूँ सबको, फिर मैं बिठा के देने लगाऊँ, मैं क्या बोला सामने लाऊंगा, ये लोग बोले मेरे पास में। समझ में आ रहा? तो मैं बोल रहा हूँ, मांगा करके बोले, ये सब नहीं बोले तो मैं दूंगा ना एकदम, मैं जो बोलता हूँ ना दूंगा। मैं एक्स पे बोल रहा हूँ, नहीं तो इतनी सारी पब्लिक बोलेंगे राजू भाई बोला दूंगा और फिर नहीं दे रहा, तो तू अनिल राठौर से पूछ लेना कि भाई ऐसा ऐसा तेरे से 25 लाख रुपये मांगा था कि नहीं मांगा था, बोल, मांगता मैं किस पे नहीं बोलता तो पर्सनल पूछ लेना, ठीक है, पूछ लो, लेकिन नहीं पूछेगा तो मैं देता हूँ। राजू भाई इसका मतलब आपका कहना ये है कि शब्बीर खान जो है पहले से लोगों के स्ट्रक्चर और घरों के ऊपर कंप्लेंट करते आ रहे हैं। भाई उसी से खा रहा है, इतनी बड़ी बात बोलता हूँ हवा में बोलता हूँ क्या मैं? तुम लोग मतलब तुम लोग को मालूम नहीं, तुम लोग बाहर रहते चीता गेम के, तुमको मालूम नहीं सर, कल उन्होंने अपनी कल सोर्स का क्या बताया? में उन्होंने बोले कि मैं जो है अपना टैक्स पे बराबर करता हूँ, आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। हाँ हम जाके निकालेंगे, कौन सी कंपनी का नाम लेके जाएंगे? शब्बीर भाई बोलेंगे तो दे देगा, मैं नाम नहीं लेना चाहिए था। अभी वो कल मेरा नाम नहीं लेके बोल रहे थे कि अल्लाह के घर बाजू वाले, और ये हम इधर क्या समाज सेवक, कौन डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, अरे कौन सी कंपनी का डायरेक्टर बताओ तो सही भाई, कंपनी का नाम पूछे क्या तुमने? तुम लोग वन साइडेड नहीं, ऐसा नहीं होता है। राजू भाई जिस ऐसा था तरह कि पूछ उन्होंने लो ना बताया मेरे था कि पहले अगर सुनो, सीए का नाम चाहिए तो वो भी वो दे देंगे, दिए और क्या? रही बात अगर उनसे अरे आपको मैं चाहिए क्या, तो हम लोग आपको लाके अरे दे देंगे सीए का सुनो ना रिपोर्ट। भाई दिया क्या, राजू भाई हम कोशिश दिए करेंगे ये क्या कि है, ये ना इधर मेरे पास ना मेरी कंपनी का नाम एड्रेस ये छोड़ो ना,
सब है ना, नंबर सब मेरे पास उठाते ना, ऐसा लेने का ना भाई, तुम्हारी कंपनी थी तो कुछ तो रहेगा, ये है ना, आरबी लिखे लेना, आरबी कंस्ट्रक्शन है ना, मेरा नाम का है ना, तो ऐसा उसका उसका नाम, एक कंपनी का नाम तो देते भाई, ये कंपनी का नाम है तुम चेक कर लो, तो तुम ये आरबी अभी डालो नेट के ऊपर आ जाएगी, है क्या नहीं ये कंपनी, बराबर है, तुम सीए का नाम क्यों दे रहे, कंपनी का तो नाम दो, कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो, मालूम पड़ जाएगा ना भाई, झूठ बोलने का रहता है, समझा रहेगा, तो उसमें इसमें मेरा नाम दिखेगा, तुम उसमें चेक करते तो नेट पर उसका नाम दिखता था, तो झूठ, ये जब झूठ इतना ना हजम नहीं हुआ, इसके लिए मैं बैंगलोर से आया, अब फिर मेरे को कल जाना पड़ेगा, ये मेरे टिकट के पैसे खराब। राजू भाई, शब्बीर भाई का ये भी कहना है कि 20-20 दिनों में, 30-30 दिनों में, एक एक महीने में जो है चार चार स्लैब वाले जो है घर बन के मतलब रेडी हो जा रहे हैं, मतलब खराब क्वालिटी वाले जो घर, हाँ मैं मानता हूँ, बराबर ऐसे को कॉन्ट्रेक्टर जो है उसको जल्दी से जल्दी बेच के जो है यहाँ से चले जाएगा, लेकिन जनता को जो है इसका सामना करना पड़ेगा, कभी ना कभी जो है स्ट्रक्चर टूट सकता है, उसका ऑडिट नहीं हो, सुनो ना, हाँ वही इतना बोल दिया मैं, बाकी बोलता हूँ, ये अभी फिरोज बंगाली बनाएगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती, वो बराबर बनाता, परशुराम बनाएगा तो जो इनको पैसा देते वो लोगों का क्वालिटी अच्छा रहता, बाकी किसकी क्वालिटी खराब है, मेरे भी इधर पे लेके आओ, चेक कराओ, कुछ रहेगा मैं पूरा ऊपर से नीचे तक तोड़ दूंगा, क्वालिटी चेक कर, मैं क्या पूरा सुन लो ना भाई, सुनो ना, क्यों वन साइड सपोर्ट कर रहे हैं, वन साइड सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मैं तुम लोगों को फिर पूछूंगा, तुम लोगों को भी खराब लगेगा, कुछ लिए क्या उधर से, कुछ भी नहीं, तो फिर काहे के लिए, सुनो ना पूरा, मेरा काट के चलाओ, मेरे को भी नहीं, मेरा इतना लंबा मेरे को नहीं बोलने का, लेकिन कैसा तुम लोग जब पूछ रहे हैं, कल तो इतना टाइम तो उसको पूछे नहीं, एक बोल के एक घंटा बोल रहा तो पूछ रहे नहीं थे, इसे तो एक पूछ रहा नहीं दूसरा पूछ रहा, देता हूँ सबका जवाब दूंगा, बहुत आराम से दूंगा, टेंशन, और सब सबूत के साथ दूंगा, वो अभी ये क्लियर हुआ, मेरे घर का दिया आज से तो नहीं डाला, वो क्या बोले उनके घर का मिला बोल के उसने कंप्लेंट डाला, ये बराबर ना, तो एक लेटर तुम लोग की जिम्मेदारी है लेने का ही, के भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे लिए खराब जो भी आरटीआई डालेगा उसको दे दो, ये लेटर तुम लोग तीनों का है, लेके देने का मेरे को, ठीक है, कितनी कंप्लेंट आज तक डाले लाना कब से, वो सब मिल जाएगी, ठीक है, वो सब मिल जाएगी, उसका एक क्लियर हो गया, अभी वो देना ही चाहिए, ठीक है, और क्या है राजू भाई, आपको एक 149 की नोटिस भी आई थी, हाँ। उसके बारे में आपको पुलिस ने बताया क्या था कि आप जो है एनआईए के भी आरोपी हैं तो? और चित्तागम ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के भी आरोपी हैं, हाँ। कल तो नहीं पूछे इसके लिए, अभी ये बात कल भी उसमें पूछ रहे थे, अरे धमकी दी उसमें, तुमको क्या मालूम क्या धमकी, तुम्हारा घर तोड़ने पे कोई तुड़वाएगा तुम उसको चाय पिलाएंगे, पैसा देंगे, क्या करेंगे, तुम सिंपल बात है भाई, जर्नल डाल लेना, मेरा नहीं डालते तो मैं आज रिएक्ट ही नहीं करता ना, मैं तो कल भी बोला कि मैंने तुमको पूछ लिया कि तुम कल उंगली करोगे, मेरे को मालूम है, मैं तुम्हारे को दूसरे जगह धंधा करने नहीं दूंगा, मेरे को उंगली नहीं करते, मेरा नहीं डालता तो मैं आज बोलता ही नहीं ना, 20 लोगों का डाला, 21 का नहीं डालता तो नहीं बोलता था, वो 20 लोग देते पैसा, देखो तू गलती किधर कर दिया, साथ में मेरे को भी दबाने सोचा, समझ में आ रहा है भाई, जी जी, तुम दब के देंगे, तुम्हारे घर के लिए दिया रहेंगे पैसा, मैं नहीं दे सकता ना भाई। राजू भाई, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, और ऐसा है कि अगर अभी जो है आप पे आया तो आपने जो है बहुत ज्यादा कोशिश करके अपने तरीके से अपना काम जो है रुकाने की कोशिश किया, और सही बात है, मगर चीता कैम में अगर तो तुम्हारी जितनी ताकत लगाओगे तुम लगाओगे ना भाई, चीता कैम में आप जैसे लोग अगर एक साथ होकर काम करें तो चीता कैम के घर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगी लोगों को, जितने भी लेटरबाज हैं चीता कैम के अंदर ना भाई, ये भी सुन लो, मैं जब भी था या मैं इधर रहता था, मैं भी 2 साल, उससे पहले कौन इधर कंप्लेंट डालता था, कोई डालता था क्या, गुपचुप चुप, मैं किसी को बाहर वाले को भी नहीं डालता, और ये आदमी कैसा है, तुम जहाँ रहते वो डायन भी बोलते ना, चार घर छोड़ के कर दी, आज जो कंप्लेंट रहे ना तुम्हारे इधर जो आके डालते ना अपने इधर, वो बाहर से रहते ना अंधेरी फंधेरी, वो लोग इधर आते 1-2 हज़ार में चले आते, तो तुम इधर रहे, तुम बाहर जाके डालना चाहिए, तुम घर में ही डाल रहे, जो घर में खा रहे उसी में छेद कर रहे, समझ रहे, इधर कोई भी बाहर का डालते हैं, घर वाला नहीं डालता, तो तुम तो जिधर खा रहे उधर ही छेद कर रहे, क्योंकि मालूम है इधर सब किसकी कितनी ताकत है, वो अंगाली बंगाली पशु नहीं जा सकते, हर कोई ऐसा नहीं रहता, वो खालिद का तुड़वाया बोलते नहीं डाला, पापा भाई का डाला, एक लेटर दे दो ना सब नाम से आ जाएगा भाई, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भी मतलब जो आपका घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर भी बाहर वाले ने कई बार कंप्लेंट किए होंगे, हाँ मैं रिवर्स करवाया ना भाई, बुलाया समझाया, इस पर तो केस भी लिया ना, ये बनने के टाइम पे कंप्लेंट मारे ना उसको मालूम है ना, मारे आप केस भी लिया, वो भी वापस केस लिया, उसको भी दिया, गलत तुम लोग भी गलत भड़काने वाले काम कर रहे भाई। राजू भाई वो जो इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था कि मैंने बिल्डिंग रेडी करने से पहले घर रेडी करने से पहले शब्बीर भाई को बताया था, अरे विटनेस है, हाँ वो भाई काम लेने से पहले बताया कि काम मैं ले रहा कोई प्रॉब्लम है, बोले नहीं इस्माइल की माँ का भिनका उसको नहीं करने दूँ, मैं उसका मेला नहीं मैं ले रहा हूँ, तुमको मेरे से तकलीफ है तो बताओ, उनकी सास भी विटनेस है वो भी बोली। और दूसरी चीज ये कि आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरे घर की एक ईंट भी टूटी तो मैं पूरा तोड़ दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? नहीं मालूम तुमको,
तो बात सीख लो आगे जाके, उसको कुछ तो आप एक्सप्लेन करें। बोला मैं तो बोल दिया ना, उसके अंदर नोटिस पे भी वही लिख के मिला है मेरे को, मेरा घर तोड़ेंगे तो मैं तोड़ूंगा तुमको, तो क्या उसमें समझ में आता है तुम्हारे? सर घड़ी घड़ी मतलब ले लेके क्या करना चाहते? नहीं ये बताओ ना, ये लेके क्या करना चाहते घड़ी घड़ी? नहीं अकबर भाई, कहीं ना कहीं ये जो है आप दोनों की पर्सनल दुश्मनी की वजह से दूसरों का नुकसान ना हो। अरे भाई मेरा डाला ना, तो अभी 20 लोगों का डाला है वो, ये खुद का एक मतलब एक आदमी के एक मरने की जगह 20 लोग को मार दो, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी 20 के 20 बीएमसी को बोल रहा, बीएमसी की गलती। अरे तुम बीएमसी को कंप्लीट किए तो तोड़ने आ रही ना, 20 लोगों का नुकसान करेंगे तुम एक का, मेरे ऐसा रहेगा तो मैं मेरा तोड़वा लूंगा एक का, मैं 20 लोग को थोड़ी गिरवाऊंगा, मेरा नहीं तोड़े क्या? पूरा साल तोड़े ना, क्या मैं सबकी कंप्लीट डाला क्या भाई? हाँ अब तुम बोलते बेकू मैं चला रहा, बेकू कौन चला रहा ना, वो भी मेरे पास है, बेकू कौन चला रहा वो भी देता हूँ, थोड़ा वेट करो, कमिंग सून में मैं तुम्हारे को बेड का भी देता हूँ अभी। और सुन लो, ये हॉस्पिटल बोलते ना, हॉस्पिटल किसको दिए ले? शब्बीर खान फाउंडेशन। हाँ किसको दिया चलाने? सिटी वाले को दिया ना, हाँ उससे पैसा ले रहा है ना, तो फिर गांव का भला क्या कर रहा है? फुकट दिया क्या? सिटी वाले से पैसा ले रहा है ना, दे रहा है फुकट दिया। और सिटी वाले लोग क्या करते? यहाँ से लिख के देते सोनोग्राफी है वो बाहर देते, हजारों रुपया देना पड़ता उन लोगों को, क्योंकि कहाँ गाँव का भला हो रहा भाई? तो गलत फहमी मत पैदा करो कि मैं गांव के लिए दे दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो तुमने भाड़े पे दिया ना उसको, पैसा ले रहे हो ना, फिर क्या बात चल रही है भाई? अच्छा तुम इतने बोले मैंने लेटर दे दिया, तो ठीक है बीएमसी की जगह ना, हमारे एमपी एमएलए, मेरे दोनों से भी बातचीत बराबर नहीं है, ठीक है हमारे एमपी एमएलए को दे दो, वो लोग चोरी तो नहीं करेंगे, वो चला लेंगे ना, तुमको इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम नहीं खाते ना पैसा, दे दो ना उन लोग को, दो मैं बोल रहा हूँ एमपी एमएलए को दे दो भाई, मेरा ऑब्जेक्शन है गाँव का किसी का, वो लोग तो नहीं खाएंगे, वो लोग तो गाँव का भला खाएंगे, ये जिसको दिया तो भाड़ा ले रहे ना, अब गवर्नमेंट से एक चीज चलाने लेके और उसके ऊपर भाड़ा खा रहे, फिर बोलते हैं मैं गांव का अच्छा कर रहा, ये झूठ जो हजम नहीं होना मेरे को, इसके लिए मैं आया वापस बेंगलुरु से। राजू भाई पूरे मसले की जड़ जो है उनका कहना है कि ये हॉस्पिटल है, जब से उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया लोग उनके खिलाफ हो गए। सुनो ना मेरे गाँव के जितने दिग्गज लोग है ना भाई, जो मेरे दुश्मन भी है, वो लोग सब ने इसकी मदद करे और हमने भी किया, ये जगह पे मैंने भी डाला था, डाले थे जिम का डाले थे, और ये जिम ही पास हुए है, इसने ये बनाया उस पर जिम है और इसने ये बना लिया, तो ये भी गलती है ना, उसका परमिशन थोड़ी है, तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम? और गांव के जितने लोग हैं ना दिग्गज लोग, मेरे अपोजिट वाले भी मेरे, तो वो लोग भी सब मदद किए इसको, और सब लोग ने मदद किया तब ये बना है, कोई काम मैं रुका सकता था, हमने भी लेटर डाले, हमको क्यों नहीं दिया भाई, उसको क्यों दिया, रुका सकता था ना, रुका है क्या? नहीं रुका है ना, बनने के टाइम नहीं रुका है, लोग मेरे को भी डर के खाली जा रहे बनने, मैं कभी वो सब चीज़ में देखें, मैं कभी कोई गवर्नमेंट की चीज़ पे कब्जा नहीं किया, कभी झोपड़ा नहीं बांधा, एक बता दो जितना भी लिया राजू खरीद के लिया, तुम बांधते तो मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया गया, तुम मेरा नाम मत बोलो, तो मतलब बेक कर रहा तो बेकू मैं 2 साल अंदर था, मैं चला रहा था क्या? आज तू मेरा नाम लेके बेक, तू बेक मतलब बेक ताकत हो रहे मेरे से, तू मेरे से लड़ सकता, बेक से नहीं लड़ सकता, ये हजम नहीं होता, खाली घुमाने की बात है, मतलब होता नहीं तो घुमाने की बात मत करो। शब्बीर भाई जैसे हॉस्पिटल है उसके सामने जो एक स्ट्रक्चर है, जो घर है, उसको लेकर ये कंप्लेंट स्टार्ट हुई है, और उसमें आपका रोल बताया गया है कि आपने जो है कंप्लेंट किया है उसके ऊपर, मैं कंप्लेंट किया पेपर करेगा ना, और जिन्होंने भी कंप्लेंट किया उसके बाद उन्होंने उस चीज से हार मानकर मतलब अपने आप को बैक लिया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जेड नोटिस मिल चुकी तुमको, सब सब सुनो ना, वो ये लेके आया जब तेरी जेड नोटिस मिला ना, ये मेरे को लेके आया, इसके भोने का घर है समझे, वो इधर आया, इसने क्या बोल के लेके आया मेरे पास में, हाँ तो उसने क्या बोला मेरे पास क्यों आया लेके, बोले कि मतलब अभी से जो है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं समझ, भाईजान को मैसेज किए कि बोले अब तुम देख लो क्या है घर का, ठीक है वो इधर आया, ये मेरे पास आया, ठीक है मेरे पास आए, तो मैं बोला नोटिस मैं देखा, मतलब ठीक है मेरे से जो होता करेंगे, मैंने क्या बोला नहीं टूटेगा जाओ, मेरी ताकत है नहीं है, मतलब टूटेगा तो राजू के पास पैसा है मैं बना के दूंगा, क्या बोला मैंने, मेरे को क्या तुम्हारे घर वाला है ना, टूटेगा तो मैं बना के दूंगा, बोला और क्या बोल सकता हूँ, और क्या मदद करूँ, टूटा है मैं, अगर मेरे को मेरा उसमें कहाँ रोल है भाई, वो मैं बैग में आने से पहले से कर रहा, और बैग को बिठाया यहाँ पे, उनकी सास बैठी थी, 1.5 घंटा हम लोग बात किए, उनकी सास से जाके पूछ लो, बैग राजी हो गया, ठीक है सेटलमेंट कराने वाले, चलो बैग वैग खत्म करो, मैं माफी, क्या बोला मैं अभी तुम्हारे इस पर बोल रहा हूँ, शब्बीर नहीं माफी मांगे, मैं माफी मांगता हूँ, खत्म करो तुम लोग, उनकी सास को बोला, वो शाबाश, उनकी सास बोल रही है कि वो शब्बीर मतलब सामने आएगा तो हाथ मिला के खत्म करें, उसके सामने नहीं आएगा, वो झाड़ू के सामने क्यों बोलते मैं, अरे तेरा उसका लपड़ा है, तुम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैं क्या करूँ उसमें, तो सामने भी आने बात राजी नहीं तो कैसा सेटल होएगा, घमंड ना किसी का नहीं रहता, एक घमंड वाला जाके पहुंच गया है, दूसरा पहुंच जाए ऐसा नहीं होना चाहिए,
ये बहुत अच्छा काम किया भाई आपने, इंसानियत को जिंदा रखते हुए ये बहुत अच्छा काम है। हाँ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपने रेडी किया इसके ऊपर जो एलिगेशन शब्बीर भाई लगा रहे हैं कि 23 दिन में जो चार स्लैब, वो मेरे लिए नहीं लगा रहा भाई, वो बताया फोटो, वो मेरा, वो तो बोल रहा ना राजू भाई का नहीं है, मेरा 23 दिन में उस दिन ना 15 दिन से पहले कोई स्लैब नहीं खुलता, शब्बीर भाई को जानकारी नहीं है, तुम लोग नाम फिर लेने लगा रहे हो उसका, डायरेक्टर का कितना भाई मेरे को बताओ ना, तुम भाई नहीं कोई अहदे पे रहेंगे क्या, जब उसी सात कितना 17-18 घंटा तुम काम कर रहे किसी के लिए, तो फिर डायरेक्टर का काम कब कर रहे, वो कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है वो तो बताओ। ये सब जो झूठ है ना भाई, ये हजम नहीं हो, पब्लिक को भी हजम नहीं हो। मैं कैसा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, एकदम पूछेंगे ताबड़तोब तो जवाब दो, वो ऐसा निकला क्या कल, तुम लोग को देखे नहीं थोड़ा घबराहट और क्या क्या बोलने का क्या रुकने का है। हाँ, पुलिस का भी नाम लेते लेते रुक गया कि पुलिस को भी टारगेट कर रहे, थोड़ा होश में रह के करने का, इतना ये नहीं मैं ऐसा, वो आदमी वो इस टाइप का है क्या जो छोड़ के भाग जाए मैदान, था क्या सच बोलो, अगर गलती नहीं रहेगी तो कोई जाएगा क्या, छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं गलती है तो क्यों छोड़ेगा, और मैं छोड़ने वाला है, मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं, मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं, मेरे को क्लियर ही करने का है, या तो मेरे को झूठा बनाओ, या तो मेरे को झूठा बनाओ ना, मैं दे रहा हूँ ना सबूत सब, रुक जाओ कुछ भूल जाऊंगा मैं। हाँ, ये अमरनगर में है ना, उधर एक घर खरीदा सुपियान ने, ठीक है, सुपियान ने खरीदा, उसको क्यों बनाने नहीं दे रहा है, बेचने नहीं दे रहा, उसको क्यों एनओसी नहीं दे रहा, क्यों उसका काम क्यों रोके लाए, उसको यहाँ से लेके गया खाना खाया चेंबूर में, उससे 7 लाख रुपए डिमांड किया, अभी वो मेरे को खुद मेरे को बोला आके सामने, भाई इतना तंग कर रहा है, कर रहा पैसा डिमांड कर, 7 लाख रुपए उसकी बात हुई इसकी, क्यों मंगा पैसा, मैं तो नाम ले लेके बोल रहा हूँ ना, किसके साथ क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ? मैं तो था नहीं जब उसने खरीदा, बराबर, कल वो इस्माइल भाई का बोल रहा था, इस्माइल भाई को भाई वो इस्माइल भाई खरीद रहा वो घर में बने, अरे तू अकेले इस्माइल भाई से नाराज है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर इस्माइल भाई, अरे 12 लोग और भी तो रह रहे ना, उनका घर क्यों नहीं बनने देगा तू, बराबर है, 12 लोग में से एक आदमी से दे रहा क्या, वो बोले उसको सपोर्ट नहीं किया, वो इंसान ने बताया एक सब, और 11 लोग क्या किए, वो घर में 11 लोग और रहते ना, तो थोड़ा बोलने के टाइम पे सोचने का हम क्या बोल रहे हैं, मतलब एक का एक को मारने के बोले 11 को मार दे रहे एक को बचाने के लिए, समझ में आ रहा क्या बोल रहे तुम लोग, आया समझ में आया, 12 लोग में से एक की एक एक के लिए बोले उसकी सपोर्ट नहीं किया बोल के मैं 12 का नहीं बनने दूंगा, ये कोई हजम हो रही क्या बात, मैं सबके नाम लेके बोल रहा हूँ, सबसे पर्सनल मिलो, अकेले मिलोगे ना तुमको शायद कैमरे पे तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसा बोल देंगे, बोल के तुम बताओ कि हाँ मैं कन्फर्म किया, बाद में बोल लो कि भाई राजू भाई ऐसे तुम लोग का नाम लेके बोल रहा है, क्रिजन वालों को कितना परेशान किया मालूम है, क्रिजन वालों से पैसा नहीं लिया, क्रिजन बन रहा था जब भी क्रिजन वाले मेरे पास आए, मैं भी क्रिजन वालों को चिल्लाया, मतलब मेरे को तुम लोग देने वाले थे बनाने क्यों नहीं दिए, अरे गलती हो गई है वो, मैंने ठीक है बात करता हूँ मैं, तो मेरे सामने तो नहीं बोलता पैसा लेने, वो लोग को पूछ लेना, वो सब नमाजी है और नहीं तो कुरान दे दूंगा हाथ में, ऐसा बोल के पूछो बोलेंगे भाई, सब जगह से पैसा लिया पब्लिक पर है, अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन क्या क्या किया, मेरे को क्या सपना गिरता है क्या, आके बोले रहेंगे, और मैं नाम ले लेके बोल रहा हूँ, क्रिजन वालों का नाम भी बोल रहा हूँ ना, पब्लिक यही डरती, राजू भाई को बोलेंगे ना नाम बोल देता है, बोलूंगा ना भाई मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, नासूर पैदा करके रखे खत्म कौन करेगा, राजू भाई अकेला ही, और उसमें तुम लोग टारगेट करते, राजू भाई ऐसा किया धमकी दी, अरे क्या दी है धमकी, बोलो भाई, शब्बीर भाई ने कल बीएमसी के कुछ अधिकारियों को भी जो है वो किया है क्या, फोकस किया है कि वो लोगों ने जो है 5-5, 6-6 साल से जो है ट्रांसफरिंग जो है इनकी हुई, सुनो ना भाई वो उसमें मैंने कुछ नहीं बोलने का, ट्रांसफर नहीं हुई, तुम कंप्लेंट डालो ट्रांसफर करा लो, ठीक है उससे मेरे को लेना नहीं, बीएमसी वाले नोटिस कब देते किसी को भी, कब देते, कोई कंप्लेंट करेगा तो लोग तोड़ने, लोग जबरदस्ती तो आ रहे नहीं, उनका ऐसा कहना है कि चित्ता के ट्रॉम्बे पहली पड़ा ये ऐसा है गढ़ है जो उनकी कमाई बोले बहुत होती है यहाँ पे ऐसा, मतलब तो उनकी अभी तक अभी क्यों याद आ रहा, राजू आने के बाद क्यों आ रहा, इतने टाइम राजू नहीं था जब भी क्यों नहीं याद आया इनको, कब से कर रही है ये, कब से कर रहे हैं, अभी थोड़ी है ये घर के अटेम्प्ट कर रहे, बोले झूठे सरासर झूठे, बैग भी उसको बिठाया मैं, तू ये घर इंजीनियर आशा पा गए मेरी भी सांस लगती, उसको सामने पूछ लेना, मैं बोला तू क्यों कर रहा है, बोले मैं क्यों कर रहा, बोले ना भाई ये घर से मेरे को लेना है, ये जो सामने जो डॉक्यूमेंट्स बताया इधर लाइट बिल पानी सब ना वो घर के नाम पे है, वो एड्रेस पे है, उधर का इधर यूज कर रहा है, गवर्नमेंट को भी मिसगाइड कर रहा है, वो लोग आते सर्वे करने तो वो घर का एड्रेस है, वो लीगल है मीटर है लीगल पानी है, इधर पे क्या है किससे मिलेगा, बाथरूम की बात कर रहे हैं, बाथरूम वाले का जो भी डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल का है ना बाथरूम का, ये पूरा वो घर के एड्रेस के ऊपर है, प्रॉब्लम वो है, ये बता नहीं पा रहे लोग, समझ बेग चिल्ला रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन बेग को सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, जो कर रहा ना मैं ओपन कर दूंगा वो भी, इसके बाद वो भी देख लो
बेक को कौन सपोर्ट कर रहा वो भी मैं बताता हूँ, इसको समझ में नहीं आया। राजू तो अभी आया, राजू अंदर था तो कौन कर रहा था उसको, उतना तो अक्कल रहना चाहिए। राजू है तो राजू के पीछे लग गया, अबे तो बेक से लड़ ले, राजू से क्या लड़ेगा तू। राजू भाई, शब्बीर भाई ने जो कहा है कि सोशली और पॉलिटिकली अब वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और 99% उन्होंने ये कहा कि आज के बाद ये मेरा आखिरी वीडियो है, और उन्होंने ये भी कहा कि 1% अगर लोगों ने कहा तो वो इलेक्शन के टाइम पे देखेंगे, आप इसको कैसे लेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अभी सबको बता रहा है कि मैं मर गया हूँ, फिर जिंदा हो जाएगा वो, कुछ उसको नहीं रह सकता, दूसरा काम नहीं आता भाई, हम पॉलिटिशियन नहीं है, उसको वही काम आता। अरे बोला मैं लगाते शरद नंबर पे आता हूँ, हाँ तो मैंने बोला ना, वो बोलने वाला कौन है जो बोल, हाँ तो आता ही चौथे नंबर पे तो चौथे पांचवे तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, वो तो लिस्ट में है। तुम मैंने याद दिलाया उनके घर में बैठ के 2 घंटा मैंने याद दिलाया, तो उनको बाहर आके गलत फहमी में बोल रहे, राजू को ठसा दिया, राजू मेरे पास सिलेंडर हो गया, गलत फहमी में मत रहे, वो बड़े बड़े को नहीं ठसता ने, मैं तो तेरे को समझाने बैठा था कि तू पागल चले बंद कर, पैसे कमाने के काम कर, पैसा है तो इज्जत है, तो पैसे ऐसा कमाने नहीं बोला था मैंने, काम बोला था, जिसको भी लगता ना इधर जो काम नहीं है, तो मेरे पास बहुत काम है पैसे कमाने के, दिखाता हूँ मैं, समझ में आ रहा। राजू भाई, जैसा मेरे साथी पत्रकार शेखू भाई ने जिस तरीके से सवाल किया कि आप शब्बीर भाई और इलाके के कुछ और जिम्मेदार, अगर ये लोग मिलके क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करें, सुनो ना, ये सब व्यक्ति मिले हुए थे ना, मैं किससे बात नहीं करता था, किससे, मैं नाम लू लेकिन अली, अच्छा किससे, अली भाई की बात कर रहे, अली भाई के घर पे पला हूं मैं, बचपन में वो पाले वो लोग, उधर से मैं आया था, अभी उनके घर में जाना ना नहीं था, खाना पीना नहीं था, किधर किधर जो चीज करते हैं ना लोग, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बनाने की कोशिश करते ना, वो मुझे हजम नहीं होता, मैं नहीं खाता पैसा, मेरे को गुंडा बोलो कुछ भी बोलो, जो इस्लाम में जायज नहीं है वो पैसा मेरे को नहीं चलता, दारू का शराब का ब्याज का ये सब जो इस्लाम में नहीं है ना वो पैसा मेरे को नहीं चलता, और मैं ये लोगों को भी बोलता हूँ नहीं चलता तो ये कम्प्लेट डाल के खाने का, मेरे सब दोस्ती थे और मैंने कभी किसी का ये नहीं बोला, मेरा किधर ना किधर मिजाज नहीं मिले रहेंगे, इसीलिए हुआ रहेगा ना भाई। राजू भाई, चिल्ला कैंप की जनता जो है एक मतलब एक आवाज उठा रही है अभी, जैसे कि एमएलए इलेक्शन था, नवाब भाई को जिताने के टाइम पे जो है लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारा नेता नवाब मलिक और नवाब भाई जो है अभी अंदर हो गए, तो ठीक है अभी जो है राजू भाई का नाम भी जो है ऊपर आ रहा था कि राजू भाई कॉर्पोरेटर बनना चाहिए, लेकिन राजू भाई क्यों बनना चाहिए, राजू भाई चोरी नहीं किया इसलिए ना, राजू भाई काम भी कर, जो है राजू भाई के ऊपर भी बड़े बड़े केस लगे, राजू भाई को मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि कभी भी राजू भाई अंदर जा सकते, कैसे जा सकते, अरे इतने बड़े केस में कोई आता नहीं 6 साल भाई, मैं आया हूँ, मैं स्टेटमेंट दिया जब आके पॉलिटिकल, बहुत बड़ी लोग मेरे को अंदर करा पाए, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं था तब आया मैं, इतना बड़ा चीज बोल रहा हूँ कोर्ट में, मैं बेल पे रह के सामने वो लोग देखते नहीं क्या, सुनते नहीं क्या, मैं पेपर पे लिख के दिया ना जज के मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसको लाके क्यों डाले, मेरा ऑर्डर पढ़ लो कि उसमें ऑर्डर में क्या लिखा है, हाई कोर्ट का जज ऐसे लिख के दे देता क्या, इसके खिलाफ नहीं इसको लाए क्यों, ऐसा पूछ दिया, लेकिन वो पूछाने के लिए मेरे को 19 महीने लग गए भाई। दूसरा भी शब्बीर भाई के बारे में भी लोग जो है एक दिल में चाहत रखते थे, लेकिन उसको भी जो है आपने जो है पूरा शब्बीर भाई को नहीं, तुमको भी समझा देता हूँ, शब्बीर भाई अकेला लड़ेगा ना तो भी हारेगा, कैसा बोलो, पब्लिक नोटा दबा के आएगी, किधर हो भाई, अरे पब्लिक भाई क्या बोल रहा हूँ, हम लोग सब नहीं लड़ेंगे, खाली अकेला लड़ेगा तो भी नोटा जीतेगा, इतने दिमाग में रख लो भाई, सबको मालूम है नासूर है कोई अपने घर, तुम मैं सच बोला तुम वोट देंगे क्या, नहीं क्यों मुंडी लाया, क्यों नहीं बोले, क्यों दो ना शब्बीर भाई को वोट नहीं देंगे तुम, मेरे को मालूम है उसको जानकारी है, कसाई के हाथ में छुरा दोगे क्या तो काटेगा ही ना, कैसी बात करते हो, खुद नहीं दोगे मेरे को बोलते हो, मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता हूँ तो हवा में ना, राजू साहब पब्लिक में घूमता है ना, मैं नहीं बोल रहा मैं ही जीतूंगा, मेरे को तो मेरा अल्लाह जिसको मेरे गांव का अच्छा करता है उसको जिता, शब्बीर भाई करेगा तो शब्बीर भाई के लिए दुआ करेंगे, जीत जा भाई, ऐसा है कि अभी देखो नवाब भाई भी चले गए, राजू भाई का भी कुछ डामाडोल, अरे राजू भाई का क्यों डामाडोल, मैं आते साथ बोले तो ये अभी चले जाएगा तभी चलेगा, 7-8 महीना हो गया ना मेरे को, क्यों चले जाएगा भाई, शब्बीर भाई का भी 15 साल नहीं गया था मैं, क्यों चले जाएगा, तो चिता गैंग की जनता अभी किसके ऊपर भरोसा करेंगे, राजू भाई अल्लाह पे करो भाई, अल्लाह पे करो, अल्लाह वो टाइम पे खड़ा कर देगा और लेके आ जाएगा जिसको कराने करेगा, किसी पे मत करो। राजू भाई मेरा एक आखिरी सवाल है, ये शब्बीर भाई से भी मैंने ये सवाल किया था कि आप दोनों की लड़ाई में चीता कैंप में आप दोनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिवसेना और बीजेपी को फायदा हो, शिवसेना और बीजेपी को आप दोनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि चीता कैंप के इस बैटल में शिवसेना और बीजेपी को फायदा हो, इतने बड़े नहीं है भाई जिसके लिए आप इतना बोल रहे हो ना, डायरेक्टर साहब इतने बड़े नहीं है, उनके इतने वोट नहीं है कि वो चीज में इतना हिल जाएगा, इतना नहीं, अमाउंट उठा के देख लो वो कितने वोट लेते हैं, कौन कितना लेता है वो देख लो, उसके बाद हिलता है कुछ भी, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाले हार जीत में।
राजू भाई चीता गेम वालों के लिए एक सवाल है आपसे ना भाई। अब जैसे आपके घर पे एक लेटर आता है तो उसके बाद जब आप एक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परला भारी भी नजर आता है और ऐसा लगता है कि ठीक है अब थोड़ा मामला शांत हो गया, मगर आगे या अभी से चीता कैंप में और भी बहुत सारे घर हैं जिनके ऊपर लेटर गिरते हैं, उनके लिए आप क्या सुनो ना भाई मैं क्या क्या उनको भी आप एक्सपोज करेंगे ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ ना, तुम मेरा बात पूरा सुने नहीं। इससे पहले सबको तुम इधर नहीं रहते थे क्या चीता कैंप में? रहते थे ना, मैं जब भी था जीत के भी आया था हारा भी था, इधर कोई भी कंप्लेंट डालता था कंप्लेंट डालता था चलता था मगर चलता था सुनो ना डालता था ना भी कोई कौन सेटल करके देता था? राजू ही करके देता था कंप्लेंट, मैंने सब वापस लेने लगाया है। ये गलत पे मिलेगी तो पहले का डाल लो और निकालो मेरे टाइम पे या मेरे से पहले भी ना, इधर सबकी कंप्लेंट मैं वापस लेने लगाता था। सरोना जितने कॉन्ट्रेक्टर उनको पूछ लो, कोई भी रहता मेरे को बोलता मैं रुकवाता था जाके और मैं वापस लेने लगाता था पैसा देवे कुछ भी, लेकिन और बोलता धमकी भी साथ में देता था ना, मार खाने वाले काम मत करो, 1000-2000 ची आके लेगा। घर आदमी कैसा बनाता है क्या बनाता है, कितने घर खरीदे तुम इतनी उम्र में कितने खरीदे? टाइम लगता है ना एक हम चलो कैसा भी करके हमारे पास घर है, जो आदमी बड़ी मुश्किल से घर ना पूरी जिंदगी करके घर करता भाई, उसमें उसके बच्चे बीवी भाई बहन सब रहते, वो एक चीज का तुम कंप्लेंट डाल देंगे मना उसकी क्या जल्दी? वो पैसा देता है तुमको लेकिन खुशी से देता है क्या? मेरा उसी के ऊपर तकलीफ है कि तुम लोग जो लेते ना ये पैसा उस मेरे को गवारा नहीं करता। अल्लाह ना भाई तुम जैसा मांगोगे ना वैसा देगा, मेहनत करके मांगोगे चोरी करके मांगोगे कटाका डाल के तुमको उतना ही देगा जितना तुम्हारे नसीब में अल्लाह लिख दिया है, उसको कम ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो चीता गेम वाले को मतलब बेफिकर हो जाना चाहिए, घर पे लेटर गिर रहा है तो राजू भाई से जरूर कांटेक्ट करें। क्यों पहले भी मैं करके देता, पूछो ना भाई पूरे कॉन्ट्रेक्टर को बिठाओ पूछो क्या बोल के, और ये लोग ये बताया ना मैं कि फॉरेस्ट की जगह बोल के ये लोग जो कर रहे थे, ये लोग ने अंडर टुगेदर पे दावत दिए थे पूरे एजेंट लोग को, उधर बना रहे बेच के दो बोल के, ये सब पूछ लेना दावत दिए गए पूरे एजेंट लोग मिलेंगे ना, काय के लिए दावत दिए थे भाई लोग ने? डायरेक्टर ने क्या कंपनी में काम के लिए दावत दिया था? एजेंट लोग क्यों दावत देते हैं समझे? उधर जो पहाड़ के नीचे जगह है ना भाई वो पूरे काट कट के ये लोग बनाने वाले थे, उसमें ये लोग आपस में ये इसमें काम में क्यों इस क्यों आ रहा है कि मैं कंप्लेंट डालूंगा मेरे को साथ में लो फ्री में? भाई मैं सोशल इनकम पूछ रहा हूँ तो नहीं मालूम है तभी पूछ रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बता दो। राजू भाई आखिरी सवाल, मैं जो पूछता उसका जवाब तो तुम लोग मांगते नहीं, कल पूछे नहीं कौन सी कंपनी है भाई, अभी पूछ रहा हूँ, कल पूछ लो ना कंपनी कौन सी, नेट पे डाल के चेक कर लेना नाम मिलती है क्या कंपनी, वो उनका नाम बताएंगे। हाँ बताना ना भाई, आपको मैं पूछ रहा हूँ, मेरा तो हक बनता है ना पूछ रहा हूँ बताने के लिए। हाँ पूछो वन शर्ट है भाई डायरेक्टर साहब का, बोलो भाई चीता गेम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टर है जिनको घर बनाने से फायदा होता है वो घर बना के काम करेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्टर है, बराबर, और उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे चीता गेम में ऐसे लोग हैं जो उनको सताते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, वो कहाँ जाए? मेरे पास ही आए ना भाई मैं करके देता हूँ। बोल अरे इससे पहले भी जब राजू भाई इधर था तो तुम लोग कहाँ थे? ये सब कंप्लेंट मैं वापस लेने लगाता था और नहीं कर इधर कोई नहीं करता था, कैसा बाहर के लोग आते थे अपने इधर कोई नहीं आते थे, बंद कर दिए थे आना, जो भी मालूम है राजू भाई उधर नहीं डालने देता। बीएमसी में जैसा पढ़ता था ना कंप्लेंट डालते थे उस पर नाम और नंबर रहता था, मैं लेके बात करके खत्म कराता था। राजू भाई हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बोल सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर वो घर बना रहे और उनकी प्रॉब्लम दे रहा, हाँ हाँ कोई उनको अगर, मैं मदद के लिए खड़ा हूँ मेरे गांव के लिए, मैं मदद के लिए आधी रात को खड़ा हूँ, एम्बुलेंस से पहला मैं आऊंगा, बोला हूँ स्टेज पे और आता हूँ, किधर वादा खिलाफी क्यों गए इतने साल में? बीएमसी ऑफिसर अगर पैसा मांगता है तो तब वाह ये आए ना सपोर्ट की बात लेने, सपोर्ट के लिए राजू भाई तो भी मेरे को बोलो ना भाई, बहुत से जगह पे पहला हुआ पैसा वो घर वालों लोगों के पास पैसा नहीं था दिए क्या? नहीं 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 पूछ लो जिधर जो कर लगेगा ना मैं उधर भी सेटल करके देता हूँ, बहुत से जगह मैं कहा मना थोड़ी कर रहा हूँ, पूछो और कुछ पूछने का पूछो सबका जवाब। राजू भाई लास्ट सवाल है, एंड कैसा होगा इसका? किसका जो भी चीज चल रही है चीता गेम में शॉर्ट आउट कैसा होगा चीता गेम में? शॉर्ट आउट देखो जो चीज है या तो तुम बोले ना माफ करने, माफ कब करते? एक्सेप्ट करो हाँ कि आइंदा ये गलती नहीं करूंगा, उसको बोलते माफी दिया मेरा, मैं थोड़ी हूँ मैं माफ करने वाले साथ हूँ, अल्लाह माफ करने वाले साथ। तुम झूठ नहीं बोलने का कि नहीं मैं ऐसा ये नहीं खाता, मैं हराम नहीं खाता ये नहीं खाता। अरे भाई पब्लिक मुंह से बोलिए घर का राशन देता था मैं, क्या बोलिए? दूंगा सबूत दूंगा कि इसके घर का राशन मैं देता था, ऐसा बोल रहा है मैं चलाता था इसका राशन, ऐसा बोल सकता क्या बिना दिए आदमी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये सब मेरे पास है, सब मेरे पास है, दूंगा पूछ लो दो दिन बाद सब दूंगा तुमको मैं। तो इसके बाद मतलब दो दिन बाद अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं फेस कर सकता हूँ क्या पब्लिक को? झूठ बोल रहा राजू भाई कैमरे में, दो दिन बाद मतलब और खुलासे होंगे? हाँ मैं देता हूँ ना, अभी इसमें अभी रिया का आएगा ना, वो देखो झूठ बोल, या तो चुप हो जाए
एक्सेप्ट कर ले। नहीं उन्होंने तो बोला कि लास्ट इंटरव्यू खत्म हो गया, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू मत लो, इंटरव्यू नहीं चाहिए पब्लिक के सामने, तुम लोगों के साथ एक्सेप्ट कर ले, हमारे पास बोल दे क्या किया छोड़ देते, चलो एक्सेप्ट करना चाहिए कि माफ कर दो हमारे से गलती हुई ऐसा नहीं होगी, नहीं तो केस होएंगे, केस करेंगे, राजू ने बोला है वो भी तुमको सुनने मिलेगा, पब्लिक 10-20 हजार खर्चा करेगी, राजू 10 लाख खर्चा करेगा, लेकिन सच्चाई सामने लाएगा, अगर तुमने खाया तो केस बनेगा और बनवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको मैं पहले भाई आते साथ बोला 4 महीने पहले कि मैं काम कर रहा भाई तकलीफ है तो बोल दो, तो मेरे साथ तो नहीं करना चाहिए, तो मेरे को क्यों उंगली किए, कोई भी आज भी जितनी जगह है जिससे भी मेरा प्रॉब्लम है मेरे को उंगली करे तो मैं करता हूँ ना, नहीं तो मेरा क्या है पड़े, मेरे को तुम देखते थे भाई उधर घूमता था ज्यादा अच्छे, मेरे को देखे अभी आए जब से मेरे भाई काम ऑफिस बाहर, मैं मेरे काम में रहता हूँ, क्योंकि 2 साल रह के आया भाई, 2 साल बैठ के खा ले घर वाले, 2 साल आदमी बैठने का मेरे हिसाब से 20 साल पीछे गया, तो पहले घर वर देखूँ नहीं, काम वाम करूँ, मेरे बच्चे भी उन लोग पढ़ाए, मैं इसके लिए मैं सैलरी, मेरे को उंगली मत करो, मैं पहले इसके मेरे का छोटा हो जा रहा था क्या भाई, मेरे को क्या जरूरत थी पूछ के काम करने की, कल का दिन बोलेगा भाई मैं मालूम नहीं था इस्माइल का समझ के डाल दिया, क्योंकि पहले एक टाइम अनिल राठौर का बोल के मेरे को बोला, मतलब मेरा था तुमको मालूम रहेगा शबीर भाई किया ऐसा, अरे भाई मेरे को नहीं, और मैं अनिल का समझ के डाला कभी, अभी नहीं ऐसे कभी 6-7 साल के बाद पहले की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करने का ना भाई, झूठ नहीं बोलने का, अभी तुम कैमरे में भी झूठ बोल रहे, ये झूठ की वजह से आया मैं 20,000 रुपये गया, अभी फिर मेरे को वापस जाने का, कल मैं तो आ रहा नहीं था, मैं बोल दिया था चौकी में कि मैं नहीं हूँ भाई 4 तारीख से पहला नहीं आऊँगा, मैं देखा तो मेरे को हजम नहीं हुआ, इतना इमोशनल कार्ड खेल रहे, संन्यास ले लिया ये लिया, ये कोई संन्यास वन्यास नहीं ले सकता, लिख के दूँ क्या पेपर पे, ये पहली टाइम हार गया ना भाई, रो रहा था घर में, माई बोला मैं इस जब भी बात नहीं कर रहे थे, जब भी इलेक्शन हुआ तो सब बात नहीं कर रहे थे, कि इलेक्शन के टाइम में सब दुश्मन हो जाते, मैं खुद इसके घर पे जाके रो रहा था, समझाया तो मेरे को रोते रोते बोल रहा था मेरा आखिरी इलेक्शन था, अरे मतलब छोड़ा ऐसे फिर आएंगा फिर तुम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, लड़ा क्या नहीं लड़ा, ये बोलते हार जाएगा तो इसी, ये मेरा आखिरी इलेक्शन था, पूरा ये हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, फिर वही करना है, फिर वही करने का। लेकिन राजू भाई इस दफा मीडिया के सामने आके उन्होंने इस चीज को कबूला है कि ये इस दफा जो है मैं क्विट कर रहा हूं। मैं बोल रहा ना नहीं करेगा, अब ये भी तो देख लो, पहले मेरे सामने बोला ना आदमी कि मेरा लास्ट है, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, अरे मतलब तुम लड़ेंगे, रोते थे, मतलब रोना जो औरत है क्या तुम, इलेक्शन हार गए तो लड़के अपनी थोड़ी जिंदगी चले गई, मैं भी तो हारा था, तो क्या अपन रोने का क्या, जिसका काम धंधा है ना उसको तकलीफ होगी, क्या अब खाऊंगा कहाँ से, पेट पे लात पड़ेगी तो कोई भी रोएगा ना, पेट पे लात पड़ गई थी भाई, बहुत जानकारी है, मैं इसके लिए जिधर इतना दिखे सबको बहुत जानकारी, मेरे को जानकारी नहीं है और मेरे को चाहिए भी नहीं वैसी, मैं गांव के फायदे के लिए काम कर सकता तो अल्लाह मेरे को जिताना, मैं पहले बोलता हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं लड़ने का है, खत्म हो गया, मैं तो काम है तो एक खाता नहीं हराम बोलता हूँ स्टेज पे, थोड़ी वो पैसा खा जाऊंगा, फिर मैं अल्लाह मेरे को जितना नसीब में, मेरा यकीदा बहुत मजबूत है कि मेरे को जितना नसीब मेरेगा अल्लाह उतना ही देगा, ना कम कर सकता ना कोई ज्यादा कर सकता मेरा। राजू भाई शब्बीर भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं भाई, कबूल करो और खत्म करो, मैं तो राजू हूँ।